गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग टू आफ्टरनून का है। आई होप लाइक यू। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। शेयर करती हूँ जो मैं यूज कर लेती हूँ या मुझे जिसमें कंफर्टेबल रहता है कि हाँ मैं ये चीज़ जो है मुझे आराम दे रहा है या मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, तो वही चीजें मैं आप लोगों के लिए जो है शेयर करती हूँ ताकि आप भी उस चीज का जो है फायदा जरूर उठाएं। और आज मॉर्निंग में जो हम लोग के स्ट्रॉबेरी के जो पौधे थे तो उसको हम लोगों ने नीचे लाया है क्योंकि बहुत ही नुकसान हो रहा था। गिलहरी बहुत ही परेशान कर दी थी तो हम लोगों ने सोचा कि इसको नीचे ही रखा जाए और इसका कुछ हम लोग उपाय ज़रूर करेंगे। और बहुत ही अच्छे फल दे रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि कितनी रेड रेड है और कितनी अच्छी लग रही है, कितने कली भी हैं इसमें। और बस वही है और गिलहरियों का ही है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको नीचे लाके रख दिया है। अरे गिलहरी नहीं ऊपर खाती तो फिर नीचे लाने की जरूरत नहीं थी। इसको थोड़ा सा साइड करिए, थोड़ा सा स्पेस करिए बीच में, इसमें एकदम सटाइए। और अब देख भी सकते हैं कि कितना जो है कलियों को उन्होंने कुतर दिया है इस तरह से। बट क्या किया जा सकता है। और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो नीचे भी हैं तो इसको हम लोग इधर एडजस्ट करेंगे और इस वाले गमले पे, क्योंकि चार पांच हस्बैंड ने इसको कर दिया है क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जो इसकी जड़ें हैं वो फैलती हैं तो उसी से कट करके इन्होंने लगा दिया है। और इसमें भी कुछ फल आए हुए हैं। अरे इतना सारा सब खा गए हैं, इसमें भी देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी कुछ रेड तो हैं, कुछ अभी कलियां हैं, पकने को हैं। और इस तरह से है ये, इसमें भी है, मैंने सब में लगे हैं, आप खुद देख सकते हैं जो भी व्यूअर देख रहे हैं। और कुछ हम लोगों ने फ्रिज में भी ही तोड़ के रखा है, उसको मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस नीचे रहेगा तो केयर भी होता रहेगा और ऊपर बालकनी में थी तो इस तरह से। और कट करके जो है जो जो रेड हो जाता है तो कट करके क्या करती हैं उनको निकाल देती हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी, एक गमले में है और कुछ गमले जो इधर हम लोगों ने डाल दिए हैं। और अच्छा भी है, देखिए ये जो है जैसे ही पकते हैं यहाँ पे वो लोग कट कर खाने के चक्कर में कट के निकाल देते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद किचन में आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं ये सेम गाजर आलू और मटर की मिक्स सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और क्योंकि हम लोगों ने सोचा पहले गमले वगैरह को उसको एडजस्ट कर दिया जाए उसके बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। एक तरफ मैंने दाल रख दिया है और इसमें मैंने कढ़ाई में जीरा डाला है। भुजिया सब्जी वगैरह अगर आप बनाएं तो जीरा ज़रूर डालें। और जब वो थोड़ा सा चटक जाए, आई थिंक कि जब वो हल्का सा ब्लैक होने लगे तभी बाकी चीज़ों को जो तड़का है वो डालना चाहिए। इससे जो सब्ज़ी है उसका जो स्वाद है काफ़ी बढ़ जाता है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। और दाल भी हो गई, आटा मैंने गूंथ के रख लिया है, बस सब्जी मैं छौंक दूँ उसके बाद मैं रोटियां सेकूँगी। तो इस तरह से अगर आप सब्जी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा बनता है। और मिक्स वेज मेरे यहाँ जो है काफ़ी बनता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं दाल चावल पे ही ज़्यादा इस चीज़ को बनाती हूँ, या शाम में जब मसाला खाने का मन नहीं है तो इसको रोटी के साथ भी चल जाता है। तो एक बार सेम आती है तो दो बार तीन बार का हम लोग का होता है। एक बार ठंडे मसाले वाला भी बना देती हूँ
जो मिक्सी में जो हम लोग मसाला वगैरह डालते हैं तो उसी मसाले से, तो उसकी भी सब्ज़ी अच्छी बनती है। और इस तरह से, और जब भुजिया सब्ज़ी बनाएं तो एक बार चला करके तुरंत हल्दी नमक उसमें डाल देना चाहिए। इससे ये होगा कि जो नमक जब पड़ जाता है तो जो हल्के हल्के जो उसकी पानी निकलता है तो उसी से जो सब्ज़ी है वो अच्छे से पक जाती है और अच्छी बन जाती है। और क्योंकि जब हम अलग से पानी डालते हैं भुजिया सब्ज़ी में तो उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो नमक डाल दिया है और हल्दी भी डाल दिया है। अब इसको मैं 2-3 बार में ढक करके पकाऊंगी और लास्ट में जो है टमाटर को इसमें ऐड करूंगी। तो आप इस पे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा कि कैसा बना है ये। और यहाँ पे जो है सब्ज़ी मेरी लगभग हो गई है, आप देख सकते हैं। और मैंने टमाटर पहले बीच में खोल के डाल दिया था और बहुत ही यम्मी बनी है इस तरह से। तो रोटी मैंने बना लिया है, अब मैं बाबू का जो है लंच रखूँगी क्योंकि बाबू का स्कूल का टाइम हो गया है। सब्जी वगैरह मेरा बन गया, खाना लगभग बन गया है और अभी बैठी हूँ मैं अपनी चाय लेके। काढ़ा बस, मुझे थोड़ा सा किचन क्लीन करना है और थोड़ी छत पे कुछ अचार वगैरह जो आया है मिर्ची का उसको धूप में डालना है। और दाल वगैरह मैंने फ्राई कर लिया है और थोड़ी देर बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह मेरे लग गए हैं और बस रूम को थोड़ा सा ठीक करना है। अब स्विच को ठीक करके फिर शावर लेने जाऊंगी। और गिलहरी इतनी परेशान कर दी है कि जो हम लोग का स्ट्रॉबेरी था सारे कट कट करके ख़राब कर दी, इसलिए हम लोगों ने उसको नीचे ले आया है। गला जैसे लग रहा है, बैठा बैठा आवाज़ नहीं सही से निकल रही है। अच्छा छत पे सोचा कि मैं डाल दूं क्योंकि दो तीन दिन अगर धूप दिखा दिया जाए तो अच्छा होता है इसके लिए। जो खराब होंगे ना वो निकल जाएंगे और जो अच्छे होंगे उसको मैं भर दूंगी। अच्छा होता है दाल चावल वगैरह के साथ खाने में, या कोई भी कोई डिश बना रहे हैं तो उसमें कोई भरता वगैरह बैंगन का करेले का अगर बनाते हैं तो उसमें जो है उसका जो टेस्ट है इसका काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं वो पेट पाचन क्रिया वाली ही पड़ती हैं और पेट भी इससे सही रहता है। आज मसाला मैं इसका बनाऊंगी शाम को। बस थोड़ा धूप 1-1 घंटा लग जाए, उसके बाद फिर कल 1 घंटा, फिर उसके बाद ही मेरा मिर्चा जो है वो तैयार हो जाएगा। बहुत तेज़ धूप है
रखती हूँ नीचे। सारा वर्क कंप्लीट हो गया है मेरा। थोड़ी बात करती हूँ आप लोगों से नीचे चल के। तो लंच वगैरह हम लोग का हो गया है और अभी छत पर से आई हूँ डाल के, और जब से उठी तब से अभी बिस्तर पे आई हूँ। पैर में दर्द हो गया है और कुछ कपड़े भी थे जो कल के नहीं सूखे थे, उसको भी मैंने छत पे डाला है। तो फ्रेंड्स, लंच वगैरह करने के बाद मैं फिर थोड़ा बाल उल ठीक की हूँ और चेहरे पे जो है, क्योंकि सर्दियाँ अब कम हो रही हैं तो ऐसे में ठंड और गर्म से जो चेहरा है वो खिंचता है, तो आप सुबह में जो है वैसलीन, पेट्रोलियम जेली जो होती है वैसलीन, और उसको चेहरे पे लेके और जहाँ जहाँ पे जैसे यहाँ यहाँ और ये चिक पे, तो ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा फटती हैं यहाँ पे, तो इस पर लेके थोड़ा सा मसाज करने से ना चेहरा एकदम ग्लो करता है। मैंने वही किया है, आपको दिख रहा होगा, और मैं डेली दिन में एक बार ज़रूर उसे करती हूँ। उससे जो चेहरा है एकदम बहुत अच्छा हो जाता है, और जो एक चेहरा होता है ना खिंचता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं होता है, एकदम खिल जाता है। आपको दिख भी रहा होगा, पास से एक मिनट, ये मैं पास से दिखा रही हूँ, आप देखिए, जैसे एक ऐसा कर सकती हैं कि जो फेसियल नहीं होता है, तो ऐसे रब करके, मैं किसी दिन डेमो दूंगी इसका, तो इस ऐसे करके और ऐसे पूरा ऐसे उंगलियों की सहायता से ऐसे पूरा करना है। तो मुझे काफ़ी फ़र्क लगा, इसी वजह से मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल मिला इस चीज़ से। नहीं तो मेरे जो मेरी बहुत ही ड्राई स्किन है और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँ। और अब मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी, और वही वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ जो मैं यूज कर लेती हूँ या मुझे जिसमें कंफर्टेबल रहता है कि हाँ मैं ये चीज़ जो है मुझे आराम दे रहा है, या मैं इस चीज़ से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए जो है शेयर करती हूँ, ताकि आप भी उस चीज़ का जो है फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूं, ताकि आपने देखा भी होगा कि मेरे ब्लॉग में जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी रहता है, कुछ टिप्स भी रहते हैं। और अभी मैंने एक वीडियो दिया है कि माइक्रोवेव को कैसे आप अपने घर में अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, तो शॉर्ट मैंने उसको डाला है, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा, और मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिए आप, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है वो सबको नहीं जा पाती है, किसी किसी को जाती है, या जब हम जैसे जब होम यूट्यूब वाला जो होता है उसको जब आप ऐसे स्वाइप करते हैं तो कभी कभी उसमें आ जाता है, अदरवाइज वो हमेशा वो शॉर्ट में ही जाता है, तो अगर हम शॉर्ट देखते हैं तो उसमें वो दिखाता है, तो इस वजह से मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो फिर मैं अब इस वीडियो का एंड करती हूँ, मैं अब आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ, और जो मेरे चैनल पे नया विजिट कर रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।